खुश तो बहुत हो गए आप आज। ये आपका बर्थडे वाला है जी। कैसा लगा आपके मायके से इतना सारा गिफ्ट आया? तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है, अभी मायके से किसी के भी आएगा तो उसको अच्छा लगेगा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है सब कुछ? तो आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस। आप सोच रहे हो मैं गाड़ी में क्या कर रही हूँ, एक्चुअली मैं देवर जी आने वाले हैं तो उसके पहले जो भी घर का काम है सब निपटाने का था मेरे को, और मैं थोड़ी मरी मरी भी दिख रही हूँ क्योंकि दो दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बट बहुत चक्कर उक्कर भी आ रहे थे, बट अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। एक्चुअली ये प्लांटर लेकर के आए थे, हमको उसके लिए प्लांट लेकर के आना था, और क्या है ना कि आज से धनतेरस है तो आज से घर से निकलना मतलब बंद ही हो जाने का है, क्योंकि घर पे ढेर सारे काम रहेंगे तो उसके पहले सब कुछ खत्म कर देना है भैया के आने के पहले। और वंशु का दांत का भी ट्रीटमेंट करवाना है अपने को रात में, तो फ्री होना पड़ेगा पूरा इंटायरली। 12:30 बजे ही वंशु का स्कूल से लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि अब जल्दी जल्दी उसको खाना पीना खिला देंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं ना। डॉक्टर ने बोला है कि करवाने के आधा घंटा के पहले तक उसको कुछ भी नहीं खाना है, और करने के 1-2 घंटे के बाद भी कुछ भी नहीं खाना है, तो इसलिए पहले ही उसको खिला पिला के सुला देंगे, फिर खिला देंगे, फिर लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। तो फिलहाल अभी तो हम लोग जा रहे हैं प्लांट लेने के लिए कुछ की, एक्चुअली मेरे को शूरेक के ऊपर ना कुछ सजाना है, तो एक गमला तो लेकर के आ गए, लेकिन प्लांट लाने की जिम्मेदारी मेरी, और मैं कभी भी मैंने इस जन्म में प्लांट तो लिया ही नहीं है, मैं पहली बार जा रही हूँ लेने के लिए। तो चलो आप भी मेरे साथ, और देखो मैं मोल भाव कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ पेड़ के लिए, मतलब प्लांट के लिए। तो चलो फिर चलते हैं, और भैया लेकर के आएंगे बहुत 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 सारा सामान लखनऊ से, जो कि मम्मी के मायके से आया है, तो वो भी देखेंगे कि क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, पहले पहुंचे प्लांट लेने के लिए। प्लांट, कसम से यहाँ पे रहने का मन कर रहा है कि यहाँ पे आ जाए पिकनिक मनाने के लिए, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट, और ये बोनसाई तो मेरा फेवरेट, लेकिन इतना महंगा दे रहा है, 6,500 रुपए का दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बजट से बाहर ही निकल रहा है, बट कितने सुंदर है ये, देखो ऐसा लग रहा है ना कि वो हैरी पॉटर वाला प्लांट है। चलो कोई नहीं, हमने स्नेक प्लांट लिया है, उसको ही लेकर के अब चलते हैं, क्योंकि वंशु को भी अब स्कूल से लेना है, घर भी जाना है। चलो चलो, तो फाइनली पहुंच गए वंशु के स्कूल, और वहाँ का डेकोरेशन, ओ गॉड, आप देखो क्या दिया बनाया हुआ है, एक एक आइटम इतने अच्छे सजाया हुआ है, और जितने भी ये दिया आपको दिख रहे हैं ना, सारा का सारा डिजाइन बच्चे लोगों ने किया है, वंशु के क्लास ने ना, UKG से स्टार्ट होता है, तो UKG Class 1 Class 2 ने ये पूरा डेकोरेशन पूरा दिया सजाया है, सॉरी, और पूरा डेकोरेशन मैम लोग ने किया, और यहाँ पे लक्ष्मी माता बैठी हुई है बाहर में। हम जैसे ही घर आए वैसे ही भैया भी आ गए, और मैं बता नहीं सकती, वंशु सुबह से आज इतना वेट कर रहे थे अपने चाचा का। पधारो मारे दे शादी होने वाला है, तो गन्नू पे कुछ अलग ही दिख रहे हैं भाई। तुम्हारे गन्नू चाचा वंशु, ये किसके चाचा हैं? अभी खोलेंगे ना। हेलो, तो भैया लेकर के आ गए लखनऊ से बहुत सारा सामान। एक्चुअली भैया इस बार बहुत सामान लेकर के आए हैं, बहुत शॉपिंग किए हैं, वो सारा पूजा का शॉपिंग करके लेकर के आए हैं। मम्मी ने उनको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी लाने के लिए, और वंशु के मामा बाबा ने भी बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए हैं। ये वंशु स्काई लैंप है, स्काई लैंटर्न्स है, इसको हम लोग स्काई मैसेज जलाएंगे उड़ा करके। ये गिफ्ट नहीं अच्छा लग रहा है वंशु को, इतना सारा मामा बाबा ने भिजवाया है, 1 2 3 4 सो मेनी है, ये तो चाहिए ना, तो इसको रखना पड़ेगा, दिवाली के दिन में हम लोग को लगाना है इसको। आइए मम्मी, आइए, चलो चलो चलो।
वंचू का ये भी आ गया। ये क्या है? ये मम्मी वो नहीं आसमान में जलाता है, ऐसे जला करके छोड़ देते तो उड़ जाता है, वही वाला है। कुर्ता नहीं लेकर क्या अभी वाली पहन? अच्छा भैया का कुर्ता तो यहाँ पे रखा हुआ होगा ना? यूपी का फेमस हींग का डब्बा भी आया है, कुछ आए ना आए यूपी से, ये हींग का डब्बा तो पक्का आता है। पैकिंग बहुत अच्छा किया है आप, तुम आईडी कार्ड लगा के अभी भी यहीं पे घूम रही है। टेन 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 ये क्या है? अच्छा वो कैंडल्स है। ये वो न्यू वाला चादर है, तीन जने दो जने के वो ये तो खुल जाएगा ना। ये गिफ्ट भेजा मामा ने, ये गिफ्ट है इनके लिए। ये क्या है? ये जैसे ही पानी में डालते साथ ही जल जाएगा ये। कम से कम मामा को थैंक यू तो बोल दो, मामा देख रहे हैं आपको, आप थैंक यू तो बोल दो। यूपी में हमारे यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति हो गया, लक्ष्मी माँ का मूर्ति हो गया, उनके कपड़े हो गए, वस्त्र आभूषण माला इतना ज़्यादा अच्छा मिलता है, इसलिए गनू भैया से इस बार हमने सब कुछ मंगा लिया, अपने घर के लिए भी और बुआ के घर के लिए भी। और देखो कितने सुंदर से गणेश जी, कितने सुंदर से ये गनू भैया बुआ के घर के लिए पैक कर ले रहे हैं सारा सामान, और ये लावा भी वो वहीं से लेकर के आए हैं। हेलो, तो आजकल अमेजोन से तो बहुत पार्सल आ रहे हैं, और लखनऊ की मिठाई आहा, वो मिल्क पुडिंग इतना ज्यादा टेस्टी है ना, इसीलिए जब भी मैं डाइटिंग करती हूँ ना तो ये सब काम होता ही है कि कुछ ना कुछ टेस्टी आ ही जाता है। तो ये सारे पार्सल आए हुए हैं अमेजोन से, तो मैं सोच ही रही थी कि जैसे ही ब्लॉग बनाऊंगी वैसे ही स्टार्ट करूंगी। और ये मीशो का पार्सल आया हुआ है, पहले मीशो का पार्सल खोलेंगे, फिर मिंत्रा का खोलेंगे, फिर अमेजोन का खोलेंगे, हमारे पास तीन ऑनलाइन ऐप का आया हुआ है, तो पहले मीशो का खोलते हैं। बेसिकली ये पूरा एक सेट है, इसमें चूड़ी कान का अंगूठी सब कुछ है। बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको पैक कर रही हूँ, और एक पार्सल है वो मम्मी खुद से खोलेंगी, मैं नहीं खोल रही, तो ये पैक होगा तक मम्मी उसको खोल देंगी। मम्मी आप उसको ओपन कर दीजिए। वाओ, लक्ष्मी माँ की मूर्ति है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। मम्मी आपको कैसा लगा आपके मायके से इतना सारा गिफ्ट आया? तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है, मायके से किसी के भी आएगा तो उसको अच्छा लगेगा ही। मामा इतना कुछ भेजे हैं, इतना ज्यादा कुछ भेजे हैं, मम्मी के लिए नहीं है, सब कुछ में इनका नाम लिखा हुआ, मेरे पति देव के नाम पे सारा सामान आया है। और ये गिफ्ट किसने भेजा है? ये विशाल के ससुराल वाले, ये गनू मम्मी के संदी जी ने, संदन जी ने भेजा है ये गिफ्ट। और ये साड़ी हमने कहाँ से ऑर्डर की? मिंत्रा से ऑर्डर की है। तो जनरली मिंत्रा के जो सामान होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बट इसका रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। देखो ये लाइट में ही अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं? इसी लाइट में लगता है वो, उसमें फोटो होगा में। पर इसे देखने में इसकी क्वालिटी बहुत खराब लग रही है, कोई भी डिजाइन है ना वो भी हाँ फिनिशिंग नहीं है, ये देखिए बहुत फिनिशिंग रफ वाला है। ये साड़ी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बाकी हम लोग को ज्वेलरी बहुत अच्छा लगा है, और माता लक्ष्मी तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है।
मेरे का घर पहले बहुत 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 बड़ा था, मायके वाला एकदम आलीशान मकान था। बाबा का नाम क्या था उन्हें? लाला बिसंबर दयाल। लाला बिसंबर दयाल, अभी भी आप गूगल में सर्च मारोगे ना लाला बिसंबर दयाल तो वो आएगा ही। वो किसी चीज का ये किया था ना मम्मी? बैक का वो समाधान किया था। बैट? हाँ, जो नहीं सेल्टेक्स। हाँ, उसके विरुद्ध खड़े हुए थे कि नहीं लगाना। सेल टैक्स के विरुद्ध खड़े हुए थे मम्मी के बाबा, मतलब बहुत फेमस पर्सनालिटी थे वो। तो चलो भाई, याद कर रहे हैं हम लोग का इतना ही आया है। गन्नू भी अभी आ गए, मम्मी का खुशी देख ही रहे होंगे, सारे बच्चे आ गए। चेरी दी भी आ रहा था, लेकिन चेरी दी अपने ससुराल गए हुई है, तो मम्मी का तो भी रौनक ही चेहरे में कुछ अलग ही दिख रहा है एकदम। तो चलो, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हैप्पी धनतेरस, टेक केयर, बाय बाय। फील्स लाइक लव, क्यूपिड मेड अ शॉट स्ट्रेट इनटू माय हार्ट, नाउ आई एम फॉलिंग फास्ट एंड माय वर्ल्ड्स एक्सपैंडिंग, फील्स लाइक लव।